यह दोस्तों गूगल पिक्सल 3 है एंड आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों इससे 3 सीरीज आगे वाला फोन जो कि गूगल पिक्सल 6 है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अभी आने वाले फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल के अंदर आप लोगों को गूगल पिक्सल 6 से किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। अभी करंटली आप लोग जो फोन यूज कर रहे हैं अगर आप लोग उस फोन को एक्सचेंज करते हैं तब कितना एक्सचेंज बोनस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ कितना कुछ कार्ड डिस्काउंट एंड बैंक ऑफर आप लोग को गूगल पिक्सल 6 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोग गूगल पिक्सल 6 को 2023 में कंसीडर करना चाहिए, क्यों आप लोगों को इस फोन को परचेस नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो गूगल पिक्सल 6 से अभी करंटली दोस्तों जो बिग सेविंग डेज आई थी फ्लिपकार्ट की वहां पर आप लोगों को 26,000 रुपए का देखने के लिए मिल रहा था एंड नॉर्मली इस फोन की प्राइस दोस्तों 30,000-31,000 रुपीज के अप्रोक्स रहती है। अभी आने वाले बिग बिलियन डेज की सेल में ये फोन आप लोग को 24,000 या फिर 25,000 इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। 25,000 रुपीज से ज्यादा यहाँ पर गूगल पिक्सल 6 का रेट नहीं जाने वाला है। लोएस्ट आप लोगों को बता दिया कि 24,000 एंड हाईएस्ट यहाँ पर 25,000 रुपीस में आप लोगों को गूगल पिक्सल 6 को परचेज करना पड़ेगा। अब बात कर ले दोस्तों एक्सचेंज बोनस की, कितना एक्सचेंज बोनस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों के पास दोस्तों MI, Vivo, Oppo, Poco ये चार ब्रांड में से अगर किसी भी ब्रांड का फोन अगर आप लोगों के पास है तब इतना कोई खास एक्सचेंज बोनस आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों सैमसंग या एप्पल का फोन एक्सचेंज करेंगे तब काफी अच्छा एक्सचेंज बोनस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग जो गूगल पिक्सल 6A लेने के लिए सैमसंग या एप्पल का फोन एक्सचेंज करते हैं तब काफी अच्छा एक्सचेंज बोनस आप लोगों को मिलने वाला है। अब फटाफट से बात कर लें दोस्तों कि अभी आने वाले फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज की सेल में आप लोगों को गूगल पिक्सल 6 को क्यों परचेस करना चाहिए, क्यों नहीं परचेस करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग जो इस वाले फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से शुरुआत करें तो काफी प्रीमियम एंड काफी क्लासी बिल्ड आप लोगों को इस फोन की देखने के लिए मिलती है। पीछे की साइड में आप लोग ग्लास बैक देखने के लिए मिल जाता है। फोन की अगर कलर की बात करें तो दो कलर ऑप्शन में फोन आप लोगों को मिलता है। पहला कलर है दोस्तों चारकोल एंड दूसरा कलर है चौक कलर। जो दोस्तों चौक कलर है वो दिखने में काफी प्रीमियम दिखता है। उसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो ये फोन IP67 वाटर रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब कि 1 मीटर तक आप लोग इस फोन को पानी के अंदर डुबा सकते हैं। उसी के साथ साथ ये फोन जो है डस्ट प्रूफ भी है। वेट की अगर बात करें तो 178 ग्राम आप लोगों को इस फोन का वेट देखने के लिए मिलता है। फोन आप लोगों को ओवरऑल लाइट वेट फील होता है आप लोगों की नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करने में। अब फटाफट बढ़ जाए इस वाले फोन के डिस्प्ले डिपार्टमेंट की तरफ तो आप लोगों को इस फोन के अंदर OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 6.1 इंचेस का आप लोगों को एक बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। सिंगल हैंड अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तब आप लोगों को हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ सकती है। दोनों हाथों से आप लोगों को इस फोन के डिस्प्ले को चूज करना पड़ेगा। वहीं अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आप लोगों को इस फोन के डिस्प्ले के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब कि काफी रफ एंड टफ डिस्प्ले आप लोगों को इस फोन का देखने के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले के मामले में आप लोग कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं आने वाली है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात कर लो तो यहाँ पर दोस्तों एक कैच है कि सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर दिया हुआ है एंड ये आप लोगों को दोस्तों फील होता भी है। जब आप लोग इस फोन को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तब ये 60Hz वाला दोस्तों जो रिफ्रेश रेट है ये मेरे हिसाब से यहाँ पर 120Hz होना चाहिए था या फिर कम से कम आप लोगों को 90Hz देना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो जाता है गूगल पिक्सल 6 का। उसी के साथ साथ आप लोगों को इस फोन के डिस्प्ले के अंदर HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पर कैपेसिटिव टच स्क्रीन आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। अब फटाफट बढ़ जाए इस वाले फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ जो कि इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर है। तो यहाँ पर पीछे की साइड में आप लोगों को इस फोन के अंदर दो कैमरा सेटअप दिए गए। जो प्राइमरी सेंसर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को 12.2 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है विद 1.7 का अपर्चर। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों कि लो लाइट में आप लोग काफी अच्छी फोटोग्राफी इस फोन की मदद से कर सकते हैं और उसी के साथ साथ जब आप लोग जो डे टाइम में भी फोटो एंड वीडियो को शूट करेंगे तब जो नेचुरल ब्लर आप लोगों को मिलना चाहिए वो नेचुरल ब्लर भी आप लोग अपनी फोटो एंड वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो कैमरा तो दोस्तों इस फोन का काफी अच्छा आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आप लोग जो डे टाइम में फोटो यूज करेंगे तब यहाँ पर दोस्तों जो गूगल पिक्सल फोन की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो काफी ज्यादा तगड़ी होती है। काफी अच्छी फोटोज यहाँ पर मैं निकाल के देते हैं। मैं आप लोग क्या बता दूँ ये 3 दोस्तों जो फोन है ये यहाँ पर 10,000 रुपए का मिल जाता है आज के टाइम पे। लेकिन फिर भी इसकी आप फोटो अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोग 25,000-30,000 रुपए वाले एंड्रॉइड फोन से अच्छी फोटोग्राफी ये 10,000 रुपए का गूगल पिक्सल 3 निकाल के देता है। एंड ये तो दोस्तों 3 है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से 6A की। 6A की तो दोस्तों फोटो एंड वीडियो क्वालिटी और ज्यादा तगड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इस फोन के बैक कैमरे के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। सेंसर की अगर बात करें तो IMX363 एक्सम और RSCMOS का सेंसर आप लोगों को इस फोन के बैक कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर कैमरा फीचर की बात करें तो आप लोगों को डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन एंड टच टू फोकस का फीचर इस फोन के बैक कैमरे के अंदर दिया गया। बात कर लेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग की इस फोन के बैक कैमरे से तो आप लोग 4K में शूट कर सकते हैं एंड फुल HDR 60fps में आप लोग इस फोन के बैक कैमरा की मदद से शूट कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर फीचर की बात करें तो आप लोगों को OIS का फीचर दिया हुआ है, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट आप लोगों को इस फोन के बैक कैमरा के अंदर दिया हुआ है। फोटो एंड वीडियो बनाते बनाते दोस्तों अगर आप लोग के हाथ काफी ज्यादा हिलते हैं या फिर अगर आप लोग फोटो क्लिक करते हैं तब आप लोग के हाथ हिलते हैं एंड फोटो आप लोग की ब्लर निकल के आती है तब वो प्रॉब्लम आप लोगों को इस फोन के अंदर नहीं आएगी। OIS का सपोर्ट आप लोग इस फोन के बैक कैमरा के अंदर दिया हुआ है।
है। वहीं अगर बात कर लें इस वाले फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आप लोगों को सिंगल कैमरा मिलता है, आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिसका अपर्चर है दोस्तों 2.0। 2.2 का अपर्चर आप लोगों को इसीलिए दिया हुआ है इस वाले फोन का, ताकि जो कोने वोने में दोस्तों अगर आप लोग ग्रुप सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तब ऐसा ना हो जाए कि कोने वाले का फेस यहाँ पर ब्लर हो जाए, इसीलिए 2.0 का अपर्चर आप लोगों को इस फोन के फ्रंट कैमरा के अंदर दिया हुआ है। अब फटाफट से बढ़ जाए इस वाले फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की तरफ, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर गूगल टेंसर G2 चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब कि काफी अच्छा फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, उसी के साथ साथ काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बैटरी काफी ज्यादा चूसेगा। उसी के साथ साथ अगर रैम की बात करें तो LPDDR4X रैम का सपोर्ट आप लोगों को दिया हुआ है। ग्राफिक की बात करें तो Mali G78 की ग्राफिक आप लोगों को इस फोन के अंदर दिए हुए। ओवरऑल इस फोन के अगर परफॉर्मेंस की बात करें, एंड इस वाले फोन का प्रोसेसर दोस्तों सैमसंग ने डिजाइन किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हीटिंग इशू आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग हैवी गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो वो आप लोग खेल सकते हैं, लेकिन हल्का बुल्का हीटिंग का इशू आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग जो वीडियो एडिटिंग करने के लिए या फिर अगर आप लोग जो कंटेंट वगैरह क्रिएट करने के लिए फोन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं आएगी। स्टोरेज की बात कर लें दोस्तों, UFS 3.1 की स्टोरेज आप लोग को इस फोन के अंदर दी हुई है। इसका मतलब कि आप लोग के ऐप्स का क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम होगा वो काफी ज्यादा फास्ट होगा। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 6GB की रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को इस फोन के अंदर दी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। आप लोग अपना सारा डाटा यहाँ पर मुझे सेव कर पाएंगे काफी आसानी से। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, जो 5G फोन है ये, मतलब फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर में भी जल्दी आप लोगों को इस फोन के अंदर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीमीडिया की अगर बात करें तो FM रेडियो का सपोर्ट आप लोगों को इस फोन के अंदर नहीं दिया गया। उसी के साथ साथ दोस्तों लाउड स्पीकर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 3.5mm वाला जो ऑडियो जैक है वो भी आप लोगों को इस फोन के अंदर नहीं दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल वाले ईयरफोन लगा के आप लोग गाने इस फोन के अंदर नहीं सुन पाएंगे। अब बात करें दोस्तों सेंसर की, तो सारे सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सेंसर हो गया, जायरोस्कोप का सेंसर हो गया, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हो ही रही है तो यहाँ पर बात कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर ऑप्टिकल ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया हुआ है, एंड काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव आप लोगों को इस फोन का फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने के लिए मिलता है। अब बढ़ जाए दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, तो आप लोगों को इस फोन के अंदर 4400mAh की नॉन रिन्यूएबल लिथियम एम्पायर बैटरी दी हुई है, एंड उसी के साथ साथ 18W की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। एंड आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केबल बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलती है, अडाप्टर आप लोगों को अलग से परचेस करना पड़ता है 18W का। एंड अगर आप लोग गूगल का ऑफिशियल अगर आप लोग जो अडाप्टर परचेस करते हैं 18W का, तब दोस्तों लगभग 3300 रुपीज का वो जो आता है। तो आप लोग जो दोस्तों मार्केट में चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारे 18W के अडाप्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को 500 से 600 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अगर दोस्तों बात कर लें आप लोगों से फाइनल कंक्लूजन की, तो अगर आप लोग दोस्तों गूगल पिक्सल 6a को लेना चाहते हैं, तब इस फोन को लेने का मतलब तब बनता है जब आप लोगों को दोस्तों वीडियो शूट करनी है, या फिर अगर आप लोग कोई कॉन्टेंट वगैरह क्रिएट करना है, तब आप लोगों के लिए फोन काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। लेकिन स्पेशली अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई फोन लेना चाहते हैं, तब गूगल पिक्सल 6a आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। या फिर अगर आप लोग एक नॉर्मल कंज्यूमर है, आप लोगों को फोटो एंड वीडियो अच्छी चाहिए, एंड आप लोगों यहाँ पर परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप लोग जो इंस्टाग्राम स्नैपचैट एंड नॉर्मल यहाँ पर मैं सोशल मीडिया एप्स वगैरह यूज कर लेते हैं, तब तो आप लोग इस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग जा सकते हैं, बहुत ज्यादा तगड़ी क्वालिटी की फोटो एंड वीडियो आप लोग गूगल पिक्सल 6a निकाल के देता है। एंड दोस्तों 24 से 25,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आप लोग इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं, आप लोग जो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी गूगल पिक्सल 6a की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग गूगल पिक्सल 6a से रिलेटेड या फिर अगर आप लोगों का फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी सवाल हो, नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।